नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अगर वाकई आप कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं तो कोई भी कारण मजबूरी बीच में नहीं आते। बस आप में होना चाहिए आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति। कोरोना काल में हमारे सामने कई तरह के उदाहरण आए और कुछ धरती के भगवान सांसों के सौदागर होते हुए हमने देखे तो कुछ लोगों को मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए भी देखा। किसी खाकीधारी का आत्मीय पहलू देखा तो किसी अफसर को एक अलग ही रूप में आते हुए भी देखा। जी हाँ, बात कर रहे हैं ऐसे अफसर भाई बहन की जिन्होंने इंसानियत और मानवीय मूल्यों की एक नई इबारत लिखी है। समय कभी शायद इनके प्रयासों को भुला ही नहीं पाएगा। ये भाई बहन कौन हैं और क्या किया है इन्होंने, आइए अब जानते हैं। कोरोना काल में भ्रष्ट अफसरों की करतूतों की खबरों के बीच कानपुर के आईपीएस भाई और राजस्थान की आईएएस बहन की यह कहानी सुकून देने वाली है। आईपीएस अनिल कुमार कानपुर में ADCP ट्रैफिक हैं। उन्होंने दूसरी लहर आते ही कानपुर में कोविड अस्पताल शुरू कर दिया। अनिल के अनुभव को देखते हुए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने उन्हें कोरोना सेल का प्रभारी भी बना दिया। अनिल की बहन डॉक्टर मंजू आईएएस हैं, अभी राजस्थान के उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। वो कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं। दोनों भाई बहन सिविल सेवा में आने से पहले MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। अनिल कुमार ने जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज MBBS करने के बाद कुछ दिनों तक दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में प्रैक्टिस भी की है। वह राजस्थान में झुंझुनू जिले के अलसीसर के रहने वाले हैं। अनिल ने दूसरी लहर के आते ही कानपुर पुलिस लाइन में 16 बेड का एक L1 श्रेणी का हॉस्पिटल शुरू कर दिया। OPD में रोजाना बैठ रहे हैं। कहते हैं कि ADJ की पत्नी को कहीं इलाज नहीं मिला तो अपने अस्पताल में भर्ती करके उन्हें ठीक कर दिया। अब तक 18 मरीजों को ठीक कर दिया है। OPD में 385 से ज्यादा संक्रमितों को इलाज दिया है। ज्यादातर पुलिसकर्मी और उनका परिवार इसमें शामिल है। अनिल बताते हैं कि UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा के इंटरव्यू में पहला सवाल यही किया गया था कि डॉक्टर होने के बावजूद सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। शायद सटीक जवाब अब मिला है। लोगों ने ताने दिए थे कि एक डिग्री और समय बर्बाद हो गया, लेकिन शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज मुझे इस विषम परिस्थिति में वर्दी के साथ ही एक डॉक्टर का फर्ज निभाने का भी मौका मिला है। डॉक्टर मंजू ने भी MBBS करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा पास की। अब राजस्थान कैडर की IAS अफसर हैं। उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर मंजू ऑक्सीजन ऑडिट टीम की प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत आई तो वेंटिलेटर से लेकर एक एक बेड पर ऑक्सीजन खपत का एनालिसिस किया। पता चला कि भारी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज के खाने, शौचालय जाने के दौरान बर्बाद हो रही थी। इस पर कंट्रोल किया। अब करीब 100 अतिरिक्त मरीजों को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। जिले के एक सरकारी और 4 निजी मेडिकल कॉलेज में कोविड पेशेंट की देखरेख कर रही हूं। इसके साथ ही 20 निजी मेडिकल कॉलेज के मरीज और ऑक्सीजन खपत की निगरानी का जिम्मा भी इनके ऊपर है। तो देखा आपने, यही तो है असली शिक्षा का मतलब, यही तो है साक्षरता। जब जरूरत पड़ी तो अपनी शिक्षा, अपनी जानकारी का समुचित उपयोग किया और लग गए बचाने में कई जिंदगियां। जबकि हमें तो कई ऐसे उदाहरण भी देखे जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। ऐसे में इस अफसर भाई बहन की जोड़ी को सलाम जिन्होंने इस महामारी में गिरते हुए मानव मूल्यों को थाम रखा है। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।